नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें24x7। मैं सानिया जैन आपके साथ। बिजली कंपनी के निजीकरण के लिए लाए गए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के विरोध में देश भर के 15 लाख बिजली कर्मचारियों के साथ मध्य प्रदेश के 50,000 विद्युत कंपनियों के तमाम बिजली कर्मचारियों द्वारा सोमवार को काला दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम कार्यकारिणी में यह निर्णय लिया गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा बिजली कंपनी का निजीकरण करने हेतु इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 का मसूदा जारी किया गया है। हालांकि इसका सोमवार को पुरजोर विरोध किया है, जिसके बाद देश में 15 लाख बिजली कर्मचारियों के साथ मध्य प्रदेश के भी तमाम बिजली कर्मचारी ने काला दिवस मनाया, जिसके अंतर्गत सोमवार को इंदौर के पोली ग्राउंड स्थित पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य कार्यालय में भी बिजली कर्मचारी और इंजीनियर ने कार्य पर रहते हुए पूरे दिन काली पट्टी बांधकर निजीकरण के विरोध में बिल का पुरजोर विरोध किया। इस दौरान कंपनी के ज्वाइंट डायरेक्टर पवन जैन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए जो 90,000 करोड़ का पैकेज विद्युत क्षेत्र को दिया गया है, उसे वितरण कंपनी को केवल निजी विद्युत उत्पादकों की मीलों की राशि देने के लिए दिया जा रहा है, जिससे वितरण कंपनी को कोई फायदा न होकर उसके ऊपर लोन चुकाने की जिम्मेदारी भी आई। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर पूरे भारत में सभी राज्यों में एक साथ आज काला दिवस मनाया गया है। 1 जून को काला दिवस हमारी पूरे भारत के 13 प्रमुख संगठनों ने मिलकर के इसकी घोषणा की थी। उसी क्रम में आज हमने मध्य प्रदेश में भी और इंदौर में भी काला दिवस मनाया है। सारे विद्युत के कर्मचारी और अभियंता उद्वेलित है, आंदोलित है, और मध्य प्रदेश शासन को जो निजी कंपनियों को निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने यह आंदोलन प्रारंभ किया है। कितना असर देखने को मिला है इसका, अगर बात करें तो लगातार जो है आंदोलन जो है लंबे समय से जारी है, आगे किस तरह का इसमें और कुछ देखने को मिला? इस आंदोलन के स्वरूप की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हमारे करीब 43,000 कर्मचारी, जिनमें के आउटसोर्स और संविदा साथ ही नियमित कर्मचारी सम्मिलित है, आज सारे कर्मचारी आंदोलन की स्थिति में है। सभी ने काली पट्टी लगा करके काम किया है। मेरे पास सुबह से ही जगह जगह से सब दूर से फोटो प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी दशा में अगर शासन नहीं चेतता है तो निश्चित तौर पर आगामी बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना ली जाए। जीके वैष्णव, संयोजक मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।